आज का वीडियो उन लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है जिनको एक साल में 365 दिन होते हैं और 364 अंडे चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। इस फार्म का एक और वीडियो आपको, ये वीडियो ख़त्म होगा वहाँ और डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, मैंने बहुत पहले दिखाया था। तो मैं बात करने वाला हूँ थ्री ब्रदर्स ऑर्गेनिक चिकन एंड फिश फार्मिंग के नाम से इनका फार्म है। ग्राम रेवाड़ी कला, जिला राम उत्तर प्रदेश में इनका फार्म है, जिनका नाम है हाजी जुबैर मसूद साहब का। तो आपने पहले एक वीडियो इस इनका देख चुका है और दूसरा वीडियो ये आप देखने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे इस पर ब्लैक एस्टोलॉर्प, इस मुर्गी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज है 365 दिन में 364 अंडे देने का। तो आज इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे और आप इस मुर्गी को पहचान भी पाएंगे, ओरिजिनल कैसी दिखती है और उससे मिलती जुलती कितनी सारी नस्लें हैं। तो ये आप जो चिक्स देख रहे हैं, मैं आपको बड़ी मुर्गियां भी दिखाऊंगा। तो ये 26 दिन का चिक्स है, 250 बच्चे हैं और अभी इनको सिर्फ फीड लगा है एक क्विंटल, 26 दिन में 250 चिक्स पर। तो मैं बात कर रहा था कि शौक किसको कहते हैं। आज भी मुझे हाजी साहब की एक लाइन याद है, उन्होंने यह कहा था कि मुर्गी जब फार्म पर आए तो नाज करे कि मैंने ऐसा मालिक पाया है। मिलती जुलती नस्लें आजकल बहुत चल रही हैं, हर आदमी कहता है कि मेरे पास ब्लैक एस्टोलॉप है, मगर ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में पंत नगर में यूनिवर्सिटी से इन्होंने ख़रीदा है और किसी भी रजिस्टर्ड संस्था, गवर्नमेंट की संस्था से अगर आप लेते हैं तो हम यह जानते हैं कि 100% हमें ओरिजिनलिटी मिली है और वो ओरिजिनल ही होती हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसे ही स्थान से हमें ख़रीदना चाहिए। और बड़े होने के बाद, ये मेरे मित्र हैं उत्तराखंड के, उनके पास कुछ मुर्गियां हैं जो फेरी वालों से उन्होंने ली थी। तो ये ब्लैक एस्टोलॉर्प देखिए, मैंने आपको पहले चिक से दिखाया, बड़े होने के बाद ब्लैक एस्टोलॉर्प ये इस तरीके की दिखती है। तो मैं आपको इससे मिलती जुलती बहुत सारी नस्लें बताऊँगा, आप पहचान भी पाएंगे कि ब्लैक एस्टोलॉप ओरिजिनल में और डुप्लीकेट में, मिलती जुलती में क्या फ़र्क है और वो मिलती जुलती कौन कौन सी नस्ल की हैं, यह भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसी वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। और अब ओरिजिनल पहचानते चलिएगा, ये चिक 26 दिन का ओरिजिनल है जो मसूद साहब के फार्म का है, उससे मिलता जुलता ये देखिए आप, ये ब्लैक एस्टोलॉप नहीं है, ये भी ब्लैक एस्टोलॉप नहीं है, ये डीपी है, ये ग्राम प्रिया है, ब्लैक एस्टोलॉप नहीं है, ये भी मिलती जुलती है, ब्लैक एस्टोलॉप नहीं है, मगर ये है, इसके बाद यह भी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का तरीका यह है, जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे देसी मुर्गी पालन लिखा है, उसके नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है, यहाँ उंगली रखेंगे, राइट साइड में बेल आइकन को दबाकर ऑल में कर लेंगे। मुझसे जुड़ने और बात करने का दूसरा तरीका यह है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, नीचे आएंगे, वहाँ देखेंगे 9 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिलेंगे, जहाँ पर मैं हर शाम 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन रहता हूँ, आप लोगों से बातें करता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।